अरे ये क्या हो रहा है? So, जब तक सेटअप हो जाए तब तक आप में से जितने लोग ऑनलाइन है और कुछ लोग ऑफलाइन है, हम सब लोगों के लिए मेरे हिसाब से, जब हम आज संजीव जी से अभी मैंने हाथ मिलाया तो मैंने 2% कगार 2% CAGR तो ले लिया है। आप लोगों ने लिया कि नहीं लिया है? दीज आर रियली वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज टू मीट गुड पीपल, उन लोगों से जिनसे हम लोग सीखते हैं। दोस्तों मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिल्कुल नहीं हूं। आई वॉज जस्ट वर्किंग इन अ केमिकल कंपनी, एक नौकरी करता था मैं, और नौकरी करते करते जैसे बहुत से लोग कैंटीन में टिफिन खोलते हुए बातें करते हैं, उस समय कॉलपुट नहीं थे, आज तो मेरे को लगता है ज्यादा वो चलता है ना, हॉट प्रोडक्ट है ना, हमारे वहां पे वो टिप चलती थी कि कौन सा स्टॉक ले, ये ले वो ले। पर उसी प्रकार से दोस्तों एक केमिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करके इसी प्रकार की मीटिंग्स ने सिखाया है। तो ये सब मीटिंग्स, इस प्रकार की मीटिंग जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज की, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, राइट? बिकॉज दिस ट्रेनिंग्स रियली हेल्प्स अस लॉट। दोस्तों आज जो टॉपिक पे मैं बात करूंगा ये बिल्कुल बेसिक है। मेरे जैसे कितने लोग है जो ये स्टॉक मार्केट के बैकग्राउंड से नहीं है पर उनको हाईली इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में? सब लोग ओके। कुछ लोग है जिनका बैकग्राउंड स्टॉक मार्केट नहीं है, राइट सर? या तो मैं जो यहां पे बात करने वाला हूं बिल्कुल बेसिक है, ऐसी चीजों पे हम बात करेंगे जो हम सब लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? जो हमने इंप्लीमेंट की है एंड आसान रहेगी, बराबर है? या नो प्रॉब्लम। या कुछ डेटा पे हम लोग बात करेंगे। कौन सा है ये? इंडियन कैपिटल है कि ये वाला है? हाँ ये वाला, नेक्स्ट वाला। यस पीडीएफ, ठीक है। ये जो स्लाइड्स पे बात करेंगे स्लाइड्स मिल जाएगी, राइट? आप नोट डाउन कर सकते हो और कुछ क्वेरी हो तो आप बात कर सकते हो। पीडीएफ पीडीएफ ओके। या इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ना? नहीं, वो सो जब तक ये शुरू हो जाए, मेरे ख्याल से शेयर बाजार में हम सब लोग बहुत इसी बार बात करते हैं कि मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूं, करते हैं ना? सो आपके हिसाब से वैल्यू इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, क्वालिटी इन्वेस्टमेंट? नहीं, मैं तो सिर्फ क्वालिटी स्टॉक बाय करता हूं, कुछ लोग का ये कहना होता है, कुछ लोग का कहना होता है ग्रोथ पे जाओ भाई, ग्रोथ पे खाली। आजकल कंपनियां कैसी आ रही है आईपीओ में, अभी आप बात कर रहे थे सर। तो ये आईपीओ की कंपनियों को क्यों इतने वैल्यूएशंस मिल रहे हैं? ग्रोथ। तो ग्रोथ, वैल्यू, क्वालिटी, तीन में से आप लोगों के हिसाब से क्या सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है? यस प्लीज। हाँ क्या? ऑल आर वेल, ऑल टूगेदर। तो दोस्तों हमें ये, या वी विल हैव टू collaborate all these three parameters together. Growth is very very much important. Growth होना जरूरी है, growth के साथ quality का combination होना जरूरी है, और इन सब के बाद जो कल हुआ बाजार में, बाजार जब गिरता है तब value buying जरूरी है कि नहीं है?
राइट। तो वैल्यू बाइंग को हम क्वालिटी और ग्रोथ के साथ कंबाइन करेंगे। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल वे में आपको बताने का प्रयास करूंगा किस प्रकार से हम सब लोग इन चीजों को कर सकते हैं। थैंक यू सर। या ओके राइट। सो व्हाट स्ट्रेटजी मेक्स मोर मनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? ग्रोथ, क्वालिटी, वैल्यू। और आप सबने मुझे जवाब दे दिया है तीनों चीज हमें चाहिए। राइट तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ के ऊपर। फ्रेंड्स ग्रोथ, ग्रोथ इज वन ऑफ द मोस्ट, क्या लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट। तो ग्रोथ तो नेचुरल होता है राइट। ग्रोथ इज वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल प्रोसेस ऑफ लाइफ। और ये ग्रोथ हमें किसमें चाहिए? हम हमारी लाइफ में भी ग्रोथ देखते हैं, हमें कंपनीज में भी चाहिए कि नहीं चाहिए? पर कंपनीज में ये ग्रोथ आता कहां से है राइट? ये प्रोटीन और विटामिन स्टॉक मार्केट के कंपनी के कौन है, कहां से आ रहे? इकोनॉमी राइट। एक किधर से आता है ग्रोथ? खुद कंट्री में से। कंट्री अगर बूमिंग है, हमारी कंट्री में जीडीपी इंडिया का कैसा बढ़ता जा रहा है, इट्स गुड ग्रोइंग, आपकी कंपनी को दोस्तों सपोर्ट मिलता है राइट। एंड सेकंड, बूमिंग इंडस्ट्री, डिमांडिंग इंडस्ट्री। दोस्तों हम ये दोनों चीजों पे बात करेंगे, किस प्रकार से इकोनॉमी का सपोर्ट मिले हमें तो हम बढ़िया ग्रोथ सेक्टर्स ढूंढ पाए, और किस प्रकार से हम डिमांडिंग इंडस्ट्री पे हमारे ध्यान रख सके, क्योंकि ये दो चीजें जो हमें ग्रोथ की सीढ़ी पे चढ़ा सकती है राइट। एक एक करके हम लोग ये दोनों चीजों को देखते हैं। ओके राइट। आपके हिसाब से किधर पैसा लगाना चाहिए, क्या कहते हो आप लोग? यूएस? यूएस कौन सा कंट्री, और कोई कंट्री है जिधर मेरे को लगता है तगड़ा पैसा बनेगा? चाइना, इंडिया? चाइना का तो नाम नहीं लेने का इधर इंडिया में, है ना? एकदम जोरदार। इंडिया, इंडिया लगता है आप में से कितनों को लगता है इंडिया सबसे लीड करेगा, एकदम ग्रोइंग वंडरफुल से। हम लोग देखते हैं कि कहां पे पैसा डाले, क्योंकि ये कंफ्यूजन है। हमें सपोर्ट मिलना चाहिए इन्वेस्टर्स को, बराबर कि नहीं? कैसे, कौन सा कंट्री हमें बढ़िया सपोर्ट देगा? इंडिया अभी कौन सा इकोनॉमी है दुनिया में, इट्स द सिक्स लार्जेस्ट। सबसे बड़ा कौन है? यूएस। सबसे बड़ा पॉपुलेशन किसका है? फिर किसका है? फिर यूएस। तो हम अगर सेकंड लार्जेस्ट इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन है तो हमारा इकोनॉमी कितना होना चाहिए सर? सेकंड लार्जेस्ट होना चाहिए कि नहीं? पर है क्या? सिक्स। तो हम अच्छा कर रहे, अच्छा कौन कर रहा है अभी? आउट परफॉर्मर करंट सिनेरियो में कौन है? यूएस, जबरदस्त किया, छोटा पॉपुलेशन बड़ा इकोनॉमी, जबरदस्त पैसा बना राइट। हम क्या ये कर पाएंगे दोस्तों? यहां पे मैंने वर्ल्ड जीडीपी का डेटा दिया हुआ है, एंड एज यू कैन सी वर्ल्ड जीडीपी और मार्केट कैप ये दोनों का डेटा है। क्यों दिया है मैं इसके ऊपर थोड़ी देर में आता हूं, पर वर्ल्ड जीडीपी कितना है? दुनिया का पॉपुलेशन एकदम सिंपल 800 करोड़ के आसपास। वर्ल्ड जीडीपी 80 ट्रिलियन, मार्केट कैप 80 ट्रिलियन, दोनों साथ साथ है कि नहीं है? पर इंडिया का जब मार्केट कैप जीडीपी के साथ होता है तो लोगों को बीमारी आ जाती है, अरे बहुत महंगा हो गया। अभी हुआ कि नहीं ऐसा वर्ल्ड में? तो यही है, जीडीपी मार्केट कैप साथ में है। ये आपको चार्ट में देख सकते हो कि अभी वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का जीडीपी 7% से ग्रोथ हुआ 1975 से 2019 में राइट। कौन से रेट में? 1975 टू 2019 ग्रोथ कितना था? 7%। मार्केट कैप कितना बड़ा सर? 10%। तो मार्केट कैप को किसने बढ़ाया? नवीन जी ने अभी बहुत बढ़िया चाहिए उनके गोल्डन वर्ड, मैंने 2% कगर वहां से भी ले लिया, 2% सीएजीआर फायदा होगा नवीन जी का भी राइट। उन्होंने बोला प्रॉफिट्स राइट, प्रॉफिट किससे बढ़ते हैं? जीडीपी बढ़ने से, धंधा बढ़ने से। आप तो अकाउंट्स में हो, पता ही है धंधा बढ़े तो प्रॉफिट में फायदा होता ही है राइट। तो धंधा, जीडीपी हमारा जब 7% से ग्रोथ हुआ दुनिया का, तो मार्केट कैप हमारा 10% से बढ़ा, क्योंकि कुछ अनलिस्टेड कंपनीज भी क्या होती है, लिस्ट होती है, कुछ हम लोग पॉजिटिव हो जाते हैं तो मार्केट कैप में ज्यादा फायदा होता है मार्केट कैप की। लेकिन एक चीज यहां पे नक्शे में दिखती है
दैट मार्केट कैप इज मोर वोलेटाइल देन जीडीपी, एम आई राइट और रॉन्ग? तो बाजार तो ऐसा ही, उसकी आदत है पूछने का नहीं तुम क्यों कल गिरे, उसकी तो हैबिट ही है, वो ज्यादा वोलेटाइल रहता है। कहीं केस बढ़ गए नहीं कि गिरेगा, कभी पेट्रोल के दाम में कुछ हुआ गिरेगा। जीडीपी वोलेटाइल है, इतना वोलेटाइल नहीं है। तो हमारा ध्यान हम जीडीपी पे रखे और तैयार रहे कि मार्केट के पैसा ही रहने वाला है, राइट और रॉन्ग सर? राइट, ये दुनिया की बात है। नाउ अगर दुनिया का हमने देखा जीडीपी मार्केट कैप, यूएस का देखना चाहिए क्योंकि नंबर वन कौन है, यूएस है। देखिए यहां पे जो डेटा अभी जो है आपके सामने, यह है जीडीपी एंड मार्केट कैप, 20वीं 21वीं सदी दोनों का हमने यहां पे डेटा दिया हुआ है। जीडीपी ग्रोथ वॉज हाई 20th सेंचुरी। देखो पूरी दुनिया का जीडीपी ज्यादा कब बढ़ा, ये 21वीं सदी में कि 20वीं सदी में? 20वीं सदी, राइट? कितना बढ़ा? 8% कगार से, 8% सीएजीआर आपका जीडीपी ग्रोथ था। मार्केट कैप में किसका फायदा, कितना फायदा मिला हमें 1975 टू 2019 में? 14%। ये 6% का डिफरेंस किधर से मिला? वन वॉज फ्रॉम वोलेटिलिटी, हम पॉजिटिव होते हैं बाजार पे ज्यादा इफेक्ट आता है, एंड वन फ्रॉम अभी पेटीएम का आईपीओ आया ना, अभी एलआईसी का आ रहा है ना, तो मार्केट कैप पे इफेक्ट होता है कि नहीं होता है? कई कंपनियां लिस्टेड होती है, तो जीडीपी से ज्यादा आपका मार्केट कैप बढ़ा। पर हमें यह भी समझना चाहिए कि जीडीपी ज्यादा कब बढ़ा था दुनिया का, 20वीं सदी में, 21वीं सदी में कितना बढ़ा है आपके सामने, कितना? तो पिछले 20 साल से तो दुनिया का ग्रोथ म्यूटेड है, तभी दुनिया का मार्केट कैप कितने परसेंटेज से बढ़ा है? 5, राइट? तो एक चीज इससे हमारी ये क्लियर होती है कि जीडीपी और मार्केट कैप ये दोनों कौन है, थोड़ा थोड़ा हस्बैंड वाइफ है कि नहीं है, साथ में चलते हैं, राइट? मार्केट कैप वोलेटिल होगा पर वो चलता किसके साथ है? जीडीपी के साथ, राइट? दिस इज यूएस। यूएस हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो राजा है, राइट सर? नंबर वन, यूएस में क्या हुआ दोस्तों, यूएस का चार्ट थोड़ा आपको अलग दिखेगा। यूएस जीडीपी ग्रू बाय 6% कगार 1975 से 2019, जीडीपी कितना परसेंट से बढ़ा यूएस का? 6%। उनका मार्केट कैप कितने परसेंटेज से बढ़ा? थोड़ा ज्यादा, 9%। जब यूएस में मार्केट कैप जीडीपी से आगे निकला था, टच हुआ था, तब लोग यही कह रहे थे, बहुत से उसके पेपर कटिंग्स आए थे कि मार्केट कैप बहुत महंगा हो गया है। नाउ मार्केट कैप इज एट प्रीमियम, जीडीपी मार्केट कैप एक जितना कैसे चलेगा, ये तो हमने देखा ही नहीं था। लेकिन अभी कितने साल होने को आए, कैन यू सी दैट अपटिक? बरसों से यूएस का मार्केट कैप जीडीपी से कितना है, प्रीमियम में है कि डिस्काउंट में है? तो क्यों ऐसा हुआ? और इंडिया में तो हमारा ये पहला साल है, हम अभी अभी प्रीमियम हुए हैं, और जैसे हम प्रीमियम हुए हमें ये लगने लगता है कि बाजार कैसा हो गया है, महंगा हो गया है। तो क्या हमें ये देखना चाहिए, हम इस चीज से देखेंगे कि इसको हम ये कहेंगे कि लोग कॉन्फिडेंट होते जा रहे इंडियन मार्केट पे? आज यूएस में जो लोग कहते थे कि मार्केट के बहुत महंगा है, उनकी कहानियां 20-20 साल पुरानी हो गई, अब वो 20 साल का हो चुका है, एंड इट इज गोइंग टू स्टे इन प्रीमियम, राइट और रॉन्ग सर? ये बीच में जो फॉल दिख रहा है वो 2008 का फॉल है, राइट? तो हम ये कहानी भूल जाए कि मार्केट कैप ने जीडीपी से आगे निकल गया है, वो तो निकलने ही वाला है। वी आर गोइंग टू सी इंडियन मार्केट इन प्रीमियम। ये डाउ जोन्स का परफॉर्मेंस आपको क्या लगता है, पहले के सालों में ज्यादा अच्छा ग्रोथ था कि अभी? जीडीपी पहले ज्यादा अच्छा बढ़ा था तो मार्केट कैप भी उस समय ज्यादा अच्छा बढ़ा था। अब डाउ जोन्स के रिटर्न देख लीजिए, 1980 से 2000 में कितने थे, 15%, और पिछले सालों के 2000 टू 2021 5%। क्यों? जीडीपी। एज अ इन्वेस्टर मेरे को आदत नहीं थी जीडीपी और ये सारी चीजें देखने की, मेरे को आदत खाली भाव देखने की थी। भाव भगवान है, भाव भगवान है, तो वो नौकरी में भी क्या ध्यान नहीं लगता है, लोग घर जाते भी वो क्या देखते हैं बाजार के बंद होने के बाद भी,
रिफ्रेश करते हैं, एसजीएक्स निफ्टी करते हैं कि नहीं करते? बीबी को लगता है इससे तो गर्लफ्रेंड रखो ज्यादा अच्छा है, इतने मैसेजेस नहीं पढ़ोगे। इतनी बार एसजीएक्स निफ्टी हम लोग देखते हैं, राइट, हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी गाड़ी भाव पे लगी हुई है, राइट फ्रेंड्स। जीडीपी को अगर हम ट्रैक करते हैं तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे ये मैंने यहाँ पे इंडिया का डेटा आपके सामने रखा है, जीडीपी अभी हमारी 2.9 ट्रिलियन होने को है। इस साल होगी कि नहीं होगी सर? दिस ईयर वी आर गोइंग टू रीच ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन। ये तो हम लास्ट ईयर ही हो जाते पर वो कोविड, राइट, नो प्रॉब्लम। आप देख सकते हो अलग अलग डिकेड के जीडीपी टू मार्केट कैप के डेटा दिए हुए। हमारा मार्केट कैप ने कभी भी, देखो जीडीपी के साथ ही परफॉर्म किया है मार्केट कैप ने। वन टैब इज जीडीपी, वन टैब इज मार्केट कैप। तो जब जीडीपी बढ़ा मार्केट कैप बढ़ा, जीडीपी नहीं बढ़ा मार्केट कैप नहीं बढ़ा। पर हम प्रीमियम में कभी आए थे? अभी आ गए हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों, हम प्रीमियम में रहने वाले हैं? ताली होनी चाहिए हमारी कंट्री के लिए। वी आर गेनिंग कॉन्फिडेंस, राइट फ्रेंड्स। अभी अगर हमारा जीडीपी 3 ट्रिलियन पहुंचने को है, हमारा मार्केट कैप ने एडवांस पिछले साल ही समझ गया कि वी शेप रिकवरी और जीडीपी बढ़िया रहेगा, मार्केट कैप 3 ट्रिलियन है, आने वाले 10-11 सालों में आपको लगता है हम 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन पहुंचेंगे जीडीपी? लगता है सर 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन? तो मार्केट कैप पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा 5 to 7 ट्रिलियन? फिर क्यों हमको डर लगता है जब बाजार गिरता है, अरे बाप रे ये क्या होगा, राइट। लॉन्ग विजन हमारा क्या कहता है यार, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम 5 ट्रिलियन पहुंचने वाले हैं। बाजार तो चलने वाला है और बाजार जीडीपी से तेज से चलने वाला है। मार्केट कैप इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट मोर। हो सकता है जब आपकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो, आपका मार्केट कैप 7 ट्रिलियन हो जाए, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टे इन डिस्काउंट और प्रीमियम। प्रीमियम इंडिया सबसे भरोसेमंद कंट्री में से एक है दोस्तों, राइट और रॉन्ग? योर मार्केट कांट स्टे इन डिस्काउंट नाउ। रिटर्न देखो, अभी हमने यूएस के रिटर्न देखे थे, इंडिया के मार्केट ने कैसे रिटर्न दिए, कितना परसेंटेज? 13% सीएजीआर। क्यों? क्योंकि रिटर्न किसने अच्छे दिए? जीडीपी कहां पे अच्छा बढ़ा है पिछले इतने सालों में? इंडिया। होगा यूएस राजा, यूएस इज अ किंग, पर ग्रोथ किसका अच्छा है अभी? इंडिया का ग्रोथ अच्छा है फ्रेंड। ये आपके सामने 21वीं सदी का ग्रोथ मैंने रखा हुआ है। कब का है? अभी के समय का। वर्ल्ड का ग्रोथ कितना है? या थर्ड टैब इज वर्ल्ड, 5%। दोस्तों इंडिया ने वर्ल्ड को डबल आउट परफॉर्म किया है, राइट और रॉन्ग? दो कंट्री है, दो मेजर इकोनॉमी जो वर्ल्ड को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया एंड चाइना। चाइना में थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर मिसिंग है, तो हम चाइना में ये प्रीमियम डिस्काउंट नहीं देख सकते, वो डिस्काउंट में रह सकता है, इंडिया में वो ड्रॉबैक नहीं है, राइट। इंडिया अगर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, दिस इज प्रूवन, आने वाले समय में इंडिया का मार्केट कमाल कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? यूएस और इंडिया और एनी अदर कंट्री। तो शेयर बाजार की बात हम करें, उससे पहले सबसे पहले हमें किस पे भरोसा होना चाहिए? इंडिया पे। अगर इंडिया पे भरोसा है तो शेयर बाजार की बात करेंगे। दोस्तों क्यों ना रखें हम अपनी कंट्री पे भरोसा? क्या ग्रोथ किया है? हम मानते हैं शुरुआत के 50 साल में बुरे हाल थे, पर जब हमारे हाथ में ये गाड़ी लगी थी तब गाड़ी में हवा नहीं थी, पेट्रोल नहीं था, पैसा नहीं था। कितना था हमारा पर हेड इनकम? ना हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहा था उस समय जब हम आजाद हुए तब, राइट। पहले 50 साल 1991 तक के हाल बुरे, पर उसके बाद हमने क्या किया? ये पहला साल था जो डेटा आपके सामने 1991, 17th नंबर पे था इंडिया, पॉपुलेशन दुनिया का दूसरा, पर इकोनॉमी कितना सर? अच्छा कि बुरा हाल था? ये बुरा हाल था। पर हमने ग्रोथ किया कि नहीं किया बताइए? वॉज दिस अ गुड ग्रोथ और नॉट? दोस्तों अभी आपका इकोनॉमी कहां पहुंचा है? 2022 में कौन से रैंक पे है अभी हम लोग? 6th। क्या आपको नहीं लगता है कि 2025 और 30 के बीच में
बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। इंडिया का पॉपुलेशन चाइना को ओवरटेक करने वाला है, चाइना की इकोनॉमी यूएस को ओवरटेक करने वाली है, और यूएस और इंडिया जापान और जर्मनी को ओवरटेक करके तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने वाली है। डू यू बिलीव इट? इफ यू बिलीव इट, स्टॉक मार्केट में पैसा बनना है, नो डाउट। राइट और रॉन्ग सर? राइट। देखो प्रॉब्लम तो आने ही वाले, ये नहीं है ये सीधी रेखा में चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी पे हमें डाउट नहीं रहना चाहिए। सी द डे, ये जो डेटा मैंने दिया है, आधा ट्रिलियन 2000 के साल में हमारा इकोनॉमी था, कितना? हाफ ट्रिलियन। तब हमारा रैंकिंग 10वां, मार्केट कैप 0.3 ट्रिलियन, डिस्काउंट सर ट्रस्ट नहीं था, और निफ्टी कितना था? 1000। राइट सर? 2020 अभी का पीरियड, जीडीपी 2.7 ट्रिलियन, योर रैंकिंग इज फिफ्थ, मार्केट कैप इज 2.7 ट्रिलियन, निफ्टी कितना है? मैंने तो यहां खाली 15,000 लिखा है एडवांस में, 18 भी नहीं लिखाया, कम लिखा है ना, 15,000, नो प्रॉब्लम। 2030 आप क्या एस्टिमेट करते हो? सबसे पहला जीडीपी कितना? क्या 2 ट्रिलियन आने वाला है? वी कैन एक्सपेक्ट अवर जीडीपी टू रीच 5 to 7 ट्रिलियन, यस और नो? वी कैन एक्सपेक्ट अवर मार्केट कैप टू रीच 5 to 7 ट्रिलियन? So we can expect our Nifty to reach 30-33,000? Why not? साथ में तो कनेक्टेड है सारी कंट्री के, राइट? Why not in India? दोस्तों भविष्य उज्जवल है, पर इसे हमें कैसे देखना पड़ेगा? प्रॉब्लम्स को भी ध्यान में रखने पड़ेंगे, राइट और रॉन्ग? सो प्रॉब्लम क्या आ सकते हैं बीच में? कुछ प्रॉब्लम्स होते, एक मॉनसून प्रॉब्लम, पर वो नहीं आया इस बार, है ना? मॉनसून वर नॉर्मल, तो चलो एक विलन गया। नहीं तो मॉनसून नॉर्मल ना होने से क्या होता है? एक तो रूरल एरिया में डिमांड नहीं रहती है, दूसरा प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। मॉनसून नॉर्मल था तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। सेकंड इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन प्रॉब्लम आ सकता है कि नहीं आ सकता है? यस सर। और आ गया अभी, देखो इन्फ्लेशन आया, फर्क कहां पड़ा, किधर चेंजेस आया? क्वार्टर वन में हमारे प्रॉफिट्स बहुत अच्छे आ रहे थे, डिमांड तो इंडिया में अच्छी थी, प्रॉफिट्स भी अच्छे थे, पर क्वार्टर टू के जो नतीजे आए, डिमांड अभी भी बरकरार है, पर प्रॉब्लम किधर आया? कंपनी के प्रॉफिट्स डाउन। क्यों? ड्यू टू दिस इन्फ्लेशन। तो ये इन्फ्लेशन आया है, ये कुछ देर हैरान करेगा, बट इट विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, राइट और रॉन्ग सर? So we should get this opportunity because you are going to see over the period of time market booming. तो ये inflation related, COVID related, अभी कल का problem क्या था? Friday problem, COVID problem. So yeah, it's all right. देखो COVID के आने से मार किधर पड़ती है? अभी किसी ने पूछा था ना कि वो profit गिर गए थे पिछले COVID में? Profit नहीं गिरते, business ही बंद हो जाते हैं सर, right के wrong? तो डिमांड ही नहीं होती है तो प्रॉफिट तो टूटना ही है, प्रॉफिट गिरते नहीं है, प्रॉफिट मर जाते हैं हमारे, धंधे ही नहीं होते। तो कोविड एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है, बट स्टिल अब हमें इसको फेस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं सर? राइट। तो हम तैयार रहे वॉलेटिलिटी के लिए, पर हमारा जो लक्ष्य है नेक्स्ट डिकेड, उसको हम भूले नहीं, राइट और रॉन्ग सर? So, देखो इंडिया कैसे चेंज हुआ है, हाउ वी हैव चेंज 1995। हम इंडिया की टॉप 5 सबसे बड़ी कंपनी लेना, सबसे बड़ी टॉप 5 कंपनीज, उनका मार्केट कैप 50,000 करोड़ था, कितना? टॉप 5 कंपनीज कंबाइंड, हमारे पास कंपनी नहीं थी जो 10,000 करोड़ का धंधा करे। वाई? छोटा जीडीपी था। 2000 का साल हमने पहली बार एक कंपनी को देखा जो लाख करोड़ पे पहुंची, विप्रो फ्रॉम आईटी कंसल्टिंग, राइट? तो एक बदलाव हुआ, बड़ी कंपनियां बनने लगी। 2020 आज का समय क्या है? मैंने तो सुना है कुछ कंपनियां आके ही बॉन ही 1,00,000 करोड़ पे हो रही है, आपने देखी कि नहीं देखी ऐसी कुछ कंपनियां? हाँ, कौन से नाम है? अब देखो हम कुछ भी बोल सकते हैं इनको, तुम स्पेकुलेशन कर रहे हो, तुम्हारा वैल्यूएशन बराबर नहीं है ना, हर चीज बोल सकते हैं, पर हकीकत है कि नहीं कि उनको 1,00,000 करोड़ का वैल्यूएशन मिला, और हमारी
टॉप 5 कंपनी का वैल्यूएशन 50,000 करोड़ होता था 25 साल पहले. दिस इज द वे वी हैव चेंज्ड 20-25 सालों में. तो अब हमें यहां पे जहां हम खड़े हैं हमें क्या देखना पड़ेगा आने वाले 10-15 साल, देखने पड़ेंगे कि नहीं? जस्ट थिंक अबाउट इट. इंडिया की कंपनी किधर होगी, कितनी बड़ी हो सकती है अभी जो लेवल पे है? अभी हमें क्या लगता है, क्या इंडिया की कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है? व्हाट डू यू थिंक? इकोनॉमी अभी हमारा छोटा है, 3 ट्रिलियन, कहां इतनी बड़ी होगी? रिलायंस, ये कुछ डेटा मैंने दिया है, 2010 कितना टर्नओवर करते थे, 2,00,000 करोड़. अभी कितना कर रहे हैं, 6,00,000 करोड़. इंडिया का सबसे बड़ा रिटेलर ये, सबसे बड़ा टेलीकम्युनिकेशन में ये लोग. आपको नहीं लगता है कि ये लोग कम से कम 10,00,000 करोड़ पहुंच सकते हैं धंधे में? अभी हमारे पास कोई कंपनी है क्या 10,00,000 करोड़ वाली? तो हमको क्यों लगता है बहुत बढ़ गया है? अभी निफ्टी 18 साल का हुआ है, आप ही लोगों ने मैसेजेस भेजे थे, तो अभी तो शादी मनाएंगे उसकी. इट्स बिगिनिंग, है कि नहीं? ये रिलायंस को, ये अभी छोटी कंपनी है. जब हम इसको वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं, चाइना की कितनी कंपनियां 10-10,00,000 करोड़ की है. अब हमारी बारी है ये करने की. यहां पे आप लाइन ले रखोगे इन चीजों की. दूसरी सबसे बड़ी बैंक कौन सी, धंधे में नहीं, प्राइवेट में, नहीं तो SBI, पर प्राइवेट में HDFC बैंक. हमारी सबसे बड़ी बैंक कितना धंधा कर रही है, 1,50,000 करोड़. ये 2,000 करोड़ करती थी सर, प्रॉफिट 200 करोड़ का करती थी. तब सोचा था कि ये 1,50,000 करोड़ का धंधा करेगी 15 सालों में, ये 200 करोड़ का प्रॉफिट 30,000 करोड़ में कन्वर्ट होने वाला है, और वो भी सर गरीब इंडिया में. अभी भी हमारी इनकम पर हेड इनकम तो कम ही है ना. तो ये जब हमारी इनकम कम होती है, कंपनियों को ट्रबल होता है धंधा करने में, होता है कि नहीं होता है? जितना ज्यादा पैसा इंडिविजुअल के पास, कंपनी के पास भी माल अच्छा आता है. तो आने वाले 10-15 साल में अगर हम सबकी इनकम बढ़ती है, ये HDFC बैंक आपको लगता है 1,50,000 करोड़ से 50,000 करोड़ आएगी? आपको नहीं लगता है ये 5,00,000 करोड़ हम इसको देखने वाले आने वाले समय में? पर मैंने तो 10 साल पहले लोगों को देखा था, वो कहते थे HDFC बैंक बहुत चल गया है, उसको बेच के सुजलोन ले लेते हैं. किए भी थे लोगों ने, क्योंकि सुजलोन छोटी थी और HDFC बैंक तो बहुत बढ़ गई थी, TCS बहुत बढ़ गई थी 10 साल पहले. ये सब अभी बच्चा कंपनी है कि नहीं है? IT की सबसे बड़ी कंपनी खाली 1,50,000 करोड़ का धंधा कर रही है. देखो मैं खाली क्यों कह रहा हूं, एक कंपनी 4-5 साल पहले आई, अपनी इंडिया की कंपनी है, इस साल 1,00,000 करोड़ पहुंचने वाली है. बोलो क्या नाम बताओ उसका. हाँ, आप सब उससे कनेक्टेड हो, ज्यादातर लोग यहां बैठे हुए 90% लोग शायद कनेक्टेड होंगे. हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं जोमेटो 2,000 करोड़ का टर्नओवर, मैं 1,00,000 करोड़ कह रहा हूं. देखो ये अमेजिंग है, ये चीज इंडिया की जाननी चाहिए कि इंडिया में ये अपॉर्चुनिटीज निकल रही है. जियो का धंधा कितना हो गया इस साल? जियो कब आया, उतना ही टाइम हुआ ना, सोच सकते हो 1,00,000 करोड़ पहुंच गई. TCS 3 दशक, रिलायंस रिटेल 1,50,000 करोड़ का धंधा, अमेजिंग. ये चीज दोस्तों हम इंडिया की बहुत सी कंपनी में देखेंगे. मेरे हिसाब से इस साल शादी कर लेते हैं निफ्टी की, 18 साल का हो गया है, तो अभी यहां से एक नए निफ्टी की शुरुआत होगी. जबरदस्त वेल्थ इंडियन मार्केट में दोस्तों बननी है. Am I right or wrong? इंडियन मार्केट्स, नो नीड टू सी, मैं इंडियन हूं और मेरी पहली निगाह किधर होनी चाहिए, मेरे को इंडिया को 10 ट्रिलियन पहुंचाना है और उसमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होना ही चाहिए. राइट और रॉन्ग सर? वी नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट और फिर हम कहेंगे हम सब ने मिलकर पहुंचाया है. तो अगर ये इंडिया, अगर भारत यहां पहुंचता है, अब मुझे बताओ कौन सी इंडस्ट्री को इसका फायदा होगा. अब हम इंडस्ट्री पे आ जाते हैं, विच इंडस्ट्री कैन बूस्ट द इकोनॉमी. एक मैंने यहां पे एक एग्जांपल दिया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. आप लोगों को पता होगा अरविंद, रेमंड, बॉम्बे डाइंग वगैरह वगैरह बहुत सी कंपनियां निफ्टी में हुआ करती थी एक टाइम पे. आज टेक्सटाइल की कितनी कंपनियां निफ्टी 50 में है? कोई भी नहीं है. ग्रासिम सीमेंट की वजह से है, बाकी टेक्सटाइल की वजह से तो है ही नहीं. राइट, नील ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ग्रोथ नहीं है सर. हमें क्या चाहिए इन्वेस्टर को? हम अभी जीप फॉर ग्रोथ पे तो बात कर रहे हैं.
ये आपका अरविंद का धंधा 2007 में, मैंने 14 साल पहले का यहां लिखा है, 100 करोड़ था 2020, अभी भी कितना है उनका प्रॉफिट? सेम दोस्तों, अगर हमारे सेल्स नहीं बढ़े, हमारे प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे, तो आपके और मेरी अर्निंग बढ़ेगी? नवीन जी ने भी यही बताया कि नहीं, कि प्रॉफिट क्या है हमारे लिए? एवरीथिंग है। प्रॉफिट बढ़ेंगे तो अपना पैसा बढ़ने ही वाला है। अगर धंधे नहीं बढ़े, रेमंड कैन यू सी, 2007 में ये 15 करोड़ का प्रॉफिट करते थे, अब ये लॉस कर रहे, इसीलिए टेक्सटाइल निफ्टी से क्या हो गया? आउट। पर हम, हमारा ज्यादा हिस्सा, मैंने देखा है बहुत से लोग, जब हम वैल्यू बाइंग करते हैं, देखो वैल्यू बाइंग का ये मतलब नहीं है कि मैं सब सस्ती सस्ती चीज इकट्ठा करूं, नहीं तो जो लोगों ने कचरा में डाल दिया है वही मेरे पोर्टफोलियो में होगी। सही बात है कि नहीं? आई एम अ वैल्यू बायर। नो, मुझे ग्रोथ और क्वालिटी चाहिए और उसमें वैल्यू चाहिए। राइट और रॉन्ग सर? यहां वैल्यू ढूंढेंगे क्या होगा? ये 20 साल तक वैल्यू बाइंग ही रहता है, फिर ये लोप ही रहते हैं। देखो ये दूसरा एक सेक्टर है, राइट? कौन सा? पीएसयू सेक्टर। मैंने नाम सेल का लिखा है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, मुझे किसी का तो धंधा आपको बताना था। पर पीएसयू सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या हुआ? दिस वाज आल्सो अ सेक्टर। 2010 सेल 42,000 करोड़ का टर्नओवर, 7,000 करोड़ के प्रॉफिट। कब का डेटा है ये? 2010। अभी क्या है? 2020। ये 4% के कगार से इनका धंधा बढ़ा है, 4% कगार से सेल्स बढ़े। हमें कितने परसेंटेज से ग्रोथ चाहिए पता है? कितने परसेंटेज से? इंडिया से तो ज्यादा चाहिए कि नहीं? राइट? अगर इंडिया 10% से मान लो बढ़ता है, तो हम ऐसी कंपनी, ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें जो 15% का ग्रोथ दे। पर हम अगर रिवर्स जाएंगे तो क्या होगा? तो 4% से धंधे बढ़े तो प्रॉफिट बढ़े नहीं, और मुश्किल समय आ गया। देखो अभी इकोनॉमी सुधरी है तो ये सब कंपनी को फायदा होगा, पर मुश्किल समय में फिर क्या हो जाता है? प्रॉफिट नहीं होते हमारे, राइट? सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ अ पीएसयू सेक्टर। सेम थिंग विद कंप्यूटर हार्डवेयर, ये निफ्टी में थी एक जमाने में। अच्छा, ये एचसीएल टेक नहीं है, एचसीएल इंफोसिस, राइट? वो हार्डवेयर वाली कंपनी क्यों आउट हो गई? धंधा नहीं बढ़ा, प्रॉफिट वाली लॉस में आ गई। दोस्तों 20 साल में रिटर्न कितना? ये लाख के 25,000 हो गए निफ्टी की कंपनी में। रेमंड लाख के 1.5 लाख। अब लाख के 1.5 लाख कितने समय में? 20 साल में। तो कुछ लोग कह सकते हैं मुझे पैसे मिले, लेकिन ये पैसे कोई काम के है? दूसरी बुरी चीज, जनरली आपके इतने समय में जितना आपने पैसा लगाया है उसका दुगना डिविडेंड में वापस आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं सर? कैश फ्लो, पैसा तो हर बार चाहिए कि नहीं हमें? यहां पैसा भी नहीं मिला, नो डिविडेंड, बिकॉज दे वर मेकिंग लॉसेस। ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है, क्या कहते हो आप लोग? डिकेइंग नहीं, हमें कैसा बनाना है? ग्रोइंग, ग्रोथ वाला। मैंने 3 उदाहरण दिए हैं यहां पे। पहला उदाहरण है इन्फो एज कंपनी का। ऐसा मत मानना कि ये कोई टिप के लिए दिया हुआ है, पर जस्ट टू शो यू अ ग्रो। जब इनका आईपीओ आया, हमने देखा कि चलो ग्रोथ अच्छा था कंपनी का, छोटी कंपनी थी, छोटे बड़े से कुछ नहीं होता है। वो अपने सेक्टर की फ्रंट रनर थी। देखो ये होगी छोटी, पर इनका जो सेक्टर था उसमें ये लीडिंग थे, राइट? उस समय कोई कंपनियां नहीं थी इंटरनेट रिलेटेड बिजनेस में। इनका टर्नओवर था करीबन 100 करोड़, अभी ये लोग 1,000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, और इनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। कौन? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी? नहीं नहीं नहीं, क्या क्या? पॉलिसी बाजार, जोमाटो। तो फिर क्या कहने? क्यों इनको इतना अच्छा ग्रोथ मिला? ये कंपनी अच्छी इसलिए नहीं है, बट इनकी इंडस्ट्री इनको सपोर्ट करती है। इंटरनेट इज अ बूमिंग इंडस्ट्री। सेकंड एग्जांपल दोस्तों, ये फर्स्ट आपने देखा 45% कगार से इनके सेल्स बढ़े, पैसा बना जिन्होंने भी उस समय पैसे लगाए। सेकंड एग्जांपल इज डीमार्ट, राइट? कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है? नो सर, एफएमसीजी इज द मेन, मेजर हम कहेंगे, पर ये प्रॉपर नीश मार्केट इसका क्या है? डिपार्टमेंट स्टोर, रिटेल। एब्सोल्युटली राइट सर, रिटेल इज अ बूमिंग इंडस्ट्री। रिटेल में ई कॉमर्स भी आता है, डिपार्टमेंट स्टोर भी आते हैं, दोनों धूम मचा रहे। तो डिपार्टमेंट स्टोर का धंधा बढ़ रहा है आपके शॉपर स्टॉप का, आपके डीमार्ट का, और इसीलिए रिलायंस 1.5 लाख करोड़ पहुंची। ये मत बोलो रिलायंस स्मार्ट है,
नहीं तो ऑयल एंड गैस का धंधा क्यों नहीं बढ़ा? वो डिकेइंग सेक्टर है, उनको सपोर्ट किधर से मिला? डिमांडिंग सेक्टर में से, टेक्नोलॉजी, जियो, रिटेल, डिपार्टमेंट स्टोर। तो उन्होंने भी डिमांडिंग सेक्टर में पैसा लगाया, पैसा बना कि नहीं बना, राइट? वो भी हमारी तरह इन्वेस्टर है, उनका कितना 45% कगार से बिजनेस बढ़ा। थर्ड एग्जांपल जुबिलेंट फूड, 29% का ग्रोथ। अब जुबिलेंट फूड का नाम तो सुना होगा आपने, अभी मैं आया सामने ही मैंने डोमिनो देखा, देखो 29% कगार से सेल्स बढ़ी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जब आईपीओ लेके आए देवर लीडर, तब कोई और रेस्टोरेंट का आईपीओ था क्या? नहीं थे। ये फ्रंट रनर है। देखो इनके साथ वाले लोग कब आईपीओ लेके आए? देवयानी इनके साथ के ही है ना, उनका आईपीओ भी आया, इनका कब था? देवर लीडर। तो धंधे में लीडर, देवर प्रॉफिट मेकिंग, पैसा बना इधर। तो यहां पे ये कोई कंपनियों की वजह से नहीं बनाया है, मूल बात ये है इंडस्ट्री ने इनको सपोर्ट दिया है। जैसे आईटी इंडस्ट्री 29 लाख करोड़ हो गई, या थैंक यू, आईटी इंडस्ट्री 29 ट्रिलियन, कैसे 29 लाख करोड़, हाई ग्रोथ, 1995 नो सेल्स टू राइट नाउ सेल्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 लाख करोड़ डिमांड। तो हमें कंपनी मिली टीसीएस, इंफोसिस जैसी, ये सेक्टर में से। सो आई वांट टू से सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा प्राइवेट बैंक्स बड़ी बनी, धंधा इनका भी कुछ नहीं था, 25 लाख करोड़ का मार्केट कैप, कैसे? एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक आपको मिली, क्यों मिली? बिकॉज प्राइवेट बैंक वॉज अ डिमांडिंग सेक्टर। फ्रेंड्स, करीबन हमें 20% रिटर्न दे ऐसे सेक्टर, क्या आप लोग कुछ बता सकते हो 2030 के? कोई आपको गेस है? हा? नहीं सर, ऑटो 10-12% उम्मीद रखेंगे। देखो एक ये आप टिप है, ये जो चार्ट है ना, ये टिप है, राइट? मैं अभी 5 मिनट्स में, अभी 4 मिनट्स, हाँ सर, अभी 4 मिनट्स में मैं खत्म करूंगा। तो उससे पहले ये जो है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कहते हैं इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं, इंडिया में ये, इंडिया की कंपनी ऐसी। अरे दोस्त यार, हमारी पर हेड इनकम कितनी थी? हम ये इनकम में जिंदा थे, वही हम सब के लिए ताली वाली चीज होनी चाहिए। हमारी इनकम जितना तो इंश्योरेंस भरते हैं डेवलप कंपनी, डेवलप कंट्री के लोग। गलत बोल रहा हूं तो आप मेरे को कहना, पर यही इनकम में से आज बड़ी बड़ी कंपनियों ने धंधा किया है कि नहीं किया है? ये स्ट्रगलिंग चीज है, उनके लिए आसान नहीं था। पर आज हमारी इनकम अगर 1.5 लाख रुपए की है, ये 10% के CAGR से बढ़ रही है, और वर्ल्ड फास्टेस्ट हमारी GDP पर कैपिटा है। तो अगर हमारी इनकम इंडिविजुअल बढ़ती है, आप मुझे कुछ लिस्ट दे सकते हो कौन से सेक्टर को फायदा हो सकता है इससे? यस, कौन सा? लाइफस्टाइल। तो फिर देखने का, फिर टिप लेने की जरूरत नहीं है सर, लाइफस्टाइल सेक्टर। देखो उनको फायदा होगा कि नहीं, कौन, कोई कंपनी ध्यान है आपको उसमें? वो रेस्टोरेंट में है, बराबर ना? लाइफस्टाइल, एप्रल, हमसे 5 गुना ज्यादा चाइनीज लोग खर्चा करते हैं। क्यों? उनको कपड़े पसंद है इसलिए नहीं, जेब में पैसे ज्यादा है हमसे। अभी हमारी जेब में जब पैसे हर साल आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली खर्चे बढ़ेंगे। दोस्तों लिस्ट बनना चालू हो जाना चाहिए कि बढ़ती इनकम, अर्बनाइजेशन, वुमेन्स एम्पावरमेंट। आज हमारे मीटिंग में कितने वुमन है? 1, 2 and 3, तीनों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जबरदस्त, वेरी गुड मैडम। देखो ये क्या है, इंडिया में अभी हमने देखा कि पार्टिसिपेशन काफी अच्छा बढ़ा है। अब आने वाले समय में इससे फैमिली इनकम बढ़ती है। तो मैंने बोला 2 लाख की इनकम होगी, 2 नहीं होगी, ये 4 लाख की होगी कि नहीं फैमिली की इनकम? फिर कहा आप 3-3 महीने तो छुट्टियां लेने लगोगे, गोवा, स्विट्जरलैंड, हुआ कि नहीं? क्यों? पैसा। दोस्तों कई फैक्टर्स है इन चीजों के पीछे। मेरे हिसाब से सेक्टर्स हम सब लोग शांति से खुद को 1 घंटा दे और एक लिस्ट बनाए, कंपनी सिलेक्ट ना करे, कंपनी वही उसमें से ले जो प्रॉफिट कंसिस्टेंट करती है, और अपने सेक्टर में सबसे पहले प्रॉफिट करती है।
लाइफ इंश्योरेंस की लाइन है, सब प्रॉफिट नहीं करते, कौन प्रॉफिट करता है पूछो। रेस्टोरेंट की लाइन लगी हुई है, कौन प्रॉफिट करता है पूछो। वी नीड गुड क्वालिटी कंपनी। दोस्तों हमें मैनेजमेंट ऐसा चाहिए जो धोखा ना दे। अगर एक भी बार धोखा मिले, कभी भी कुछ गलत चीज आए, उसी दिन बाय बाय बोल देने का, फिर वेट नहीं करने की नहीं मैं दूसरा धोखा भी खाऊंगा, राइट। ऐसा भरोसा अच्छा नहीं है दोस्तों। इन सब चीजों को ध्यान में रख के मेरे हिसाब से करेंगे तो अच्छा रहना चाहिए, राइट सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। सो पीयूष जी कृपया क्षमा करें, एक्चुअली ऑल गुड थिंग्स नेसेसरली हैव टू बी कमिंग टू एन एंड, सो मुझे आपको स्लिप देना पड़ा फॉर 5 मिनट्स के लिए, बट नेवर्थलेस वील डेफिनेटली यू नो पोज अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्लोर और फ्रॉम द वर्चुअल मोड और फ्रॉम आवर साइड एज वेल। सो आप सर बैठेंगे या वहीं? ओके या राहुल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पोज इट हियर। सो मीनवाइल पीयूष जी, आपका थॉट्स जानना चाहेंगे ऑन सम सेगमेंट्स इन द सर्विसेज सेक्टर। आपने जो मार्क किया कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में ग्रोथ फेज होने वाली है, हाउ डू यू रेट द सर्विसेज सेक्टर इंडस्ट्रीज? आपको क्या लगता है सर्विस सेक्टर कैसा रहना चाहिए? सर्विस सेक्टर में पहले सेगमेंट कौन से आते हैं? जब मैं सर्विस की बात कर रहा हूं तो हम कहां कहां से सर्विस लेते हैं? नंबर वन आईटी। देखो कंपनियां अभी इंडिया में ऐसी प्रिपेयर नहीं है कि वो आईटी के लिए प्रिपेयर हो, राइट। अपनी आईटी की कंपनी को धंधा किधर से लाना पड़ता है? डेवलप कंट्री। अभी तो 10% इंडिया दे रहा है, पर जैसे अपनी कंपनी बड़ी होगी, ये हमने देखा रिलायंस, कई छोटी छोटी कंपनियां बड़ी बनने वाली है, आपको नहीं लगता है उनको आईटी की जरूरत पड़ेगी? सर्विसेस, प्रोफेशनल सर्विसेज हो सकती है जो टीमलिस्ट देती है ना, सो दैट्स एन इमर्जिंग सेक्टर। फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकता है, अभी हमारी इनकम कम है तो हम छोटी लोन लेते हैं, पर ये गरीब लोन में भी बजाज फाइनेंस किधर पहुंच गई आपको पता ही है। तो अभी हमारी इनकम बढ़ेगी, हम ज्यादा फाइनेंसिंग लेंगे तो सर्विस को बनना है आगे। इन्वेस्टमेंट शुड बी अ प्रायोरिटी सेक्टर, लोग पैसा और इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, राइट सर। सो वंस यू स्पीक ऑफ सर्विसेज सेक्टर, सर एक चीज अगर आपने मार्क किया तो जितने अपने यस्टर ईयर्स के बिग टाइम इंडस्ट्रियल हाउसेस थे, यू टॉक ऑफ टाटा और बिरला और रिलायंस और उस वगैरह दे महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्होंने सब ने अपने एक फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर एक यू नो इन फुल ब्लूमिंग वो किया। सो इज इट यू नो यू आर मेकिंग अ हॉलमार्क ऑफ दिस फैक्ट दैट फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर आर देयर टू स्टे ए बी इज सो इवन बजाज आई फॉरगॉट टू मेक अ मेंशन। So these are, you know, I was seeing through your slides, you made a mention about Bajaj Finance. So can you throw some light on, you know, these financial services vis-a-vis these, you know, large size giants actually? Right. See, we should be putting priority on retail finance, right? बहुत सी रिटेल की चीजें बिकने वाली है और वर्टिकल उनके काफी बढ़ जाएंगे, तो रिटेल फाइनेंस शुड बी अ प्रायोरिटी। बजाज फाइनेंस ने अभी तक जो किया, अभी आने वाले समय में और अच्छा करेंगे। हाउसिंग फाइनेंस का किंग कौन है? किंग HDFC। सी मैं आपको ये नहीं कहता वी शुड इन्वेस्ट इन बजाज फाइनेंस और HDFC, पर एटलीस्ट मैं ये कंपनी को जरूर पूछूंगा कि तुम्हारा मार्केट शेयर यार दूसरे से ज्यादा होना चाहिए। एक धंधे वाले व्यक्ति की खूबी क्या होती है? वो एक छोटा सा धंधा करता है अपने सेक्टर का, तो पहली खूबी है वो बाहर नहीं कर रहे, उनको धंधा तो अच्छा करना पड़ेगा ना। तो हमें कंपनी सिलेक्शन में मार्केट शेयर देखना चाहिए, राइट। और ऐसी जो फाइनेंशियल कंपनीज है, फाइनेंस नया सेक्टर नहीं है, पुराना ही सेक्टर है, पर फिर भी ये परफॉर्म अच्छा करना चाहिए, राइट सर। एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है पीयूष जी, जो डिविडेंड यील्ड कंपनीज है जिनके मार्केट कैप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दे हैव डेमोंस्ट्रेटेड अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड ओवर नॉट यू नो आई मीन 1 or 2 or 5 or 10 years, बट आई कैन से ओवर डिकेड्स एक्चुअली। देर आर सम कंपनीज इन दिस सेगमेंट, आई डोंट वांट टू नेम इट इन फ्रंट ऑफ द फ्लोर, बट देन दीज कंपनीज आर स्टिल अंडर परफॉर्मर्स और दे आर नॉट गेटिंग द करंट ऑफ यू नो द ग्रोथ स्टोरी ऑफ आर कंट्री। हाउ डू यू यू नो मेक अ सिलेक्शन ऑफ सच स्टॉक्स एंड वॉट शुड द इन्वेस्टर्स take into account while choosing such sectors? So I think this is a very, very good question, and many people would be thinking ki I should opt for dividend yield stock or what. See, what happens over the period of time
many of you are long investor and you have seen that Bajaj Auto initially was providing 20% dividend. Since last few years, they are providing high dividend. TCS, since last year, they have increased their dividend. Infosys have increased their dividend. So we need to understand who will increase their dividend. Jubilant was not paying a single dividend initially. But from when they started paying us dividend, when they get comfortable, right? Unke margins jab tagde hote, retained earnings achhi ho gayi, ab expansion bhi unhone achha khasa kiya hai, they can pay us dividend. Cash bhi to aana chahiye. Nahi to hume bhi pata chale ki tax bharne ke liye share bechne pade. Phir wo baat achhi nahi hai na, right? To cash dividend chahiye, par growth bhi chahiye. अगर मैं कोई ऐसी कंपनी में सिर्फ डिविडेंड देख के इन्वेस्ट करता हूं और ग्रोथ नहीं है वो कंपनी का, सेल्स इज नॉट, फॉर एग्जांपल आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, अ कंसिस्टेंट प्लेयर, बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, पर अगर उनके धंधे नहीं बढ़ेंगे तो क्या हमारा डिविडेंड यील्ड बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, राइट? पर बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, एचडीएफसी, धंधे भी बढ़ते जा रहे, प्रॉफिट बढ़ते जा रहे, आपका डिविडेंड यील्ड भी बढ़ेगा, राइट? सो कंबाइंड ग्रोथ with dividend, right sir? Any questions can I have from the floor? Yes, please. Mic udhar lekar jaye. Please introduce yourself. Hello. Yes, please. Hello. हेलो, या आई एम सीए सुशील अग्रवाल. सर, हम काफी देर से हम लोग सुन रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव थॉट्स वी आर हियरिंग, बट माय क्वेश्चन इज अ लिटिल डिफरेंट. आई वांट टू नो व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज व्हिच वी मे फेस इन दिस जर्नी फ्रॉम 21 to 30 टू अचीव द टारगेटेड निफ्टी यू जस्ट यू नो मेंशन 33,000 एंड सो. थैंक यू. So, ये हमने शायद कवर किए कि तीन पॉइंट्स. एक तो कोविड तो एक बड़ा चैलेंज है ही सर, जो हमें भी नहीं पता है, पर अभी जितने भी कंपनी के रिपोर्ट्स आए उन्होंने मेंशन किया था, बजाज फाइनेंस ने भी लिखा है सर अंदर, कि अगर कोविड का थर्ड वेव नहीं आता है तो हमारे प्रॉफिट ऐसे रहेंगे, अगर आता है तो ऐसे रहेंगे, राइट? तो हम सब लोग प्रिपेयर है अच्छे भविष्य के लिए, पर ऐसे चैलेंजेस आएंगे तो वो एक शॉर्ट टर्म टेम्पररी हमें एक हुक देंगे, वो हमें चैलेंज की तरह लेना चाहिए. हो सकता है देखो इस बार मॉनसून ने फायदा दिया, अगले साल मॉनसून खराब हो जाए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आने ही वाले, राइट? बट नथिंग टू वरी. सो ओके, सॉरी प्रेसिडेंट, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फ्लोर एंड दैट वुड बी द बी ऑल एंड द एंड ऑल फॉर दिस सेशन. हेलो सर, एक क्वेश्चन है सर. जैसे आपने बोल रहे हैं कि आज इंडिया फिफ्थ या सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सो व्हाट व्हेन आफ्टर से 25 इयर्स और 30 इयर्स सपोजिटली इकोनॉमी रीचेस अ स्टेबल लेवल, मान लीजिए इंडिया फर्स्ट या सेकंड लेवल पे आ जाती है, तो ग्रोथ रेट एक स्टेबलाइज हो जाता है, व्हाट देन, व्हाट डू वी डू देन आफ्टर से, आफ्टर 20-25 इयर्स और 30 इयर्स हमारी ग्रोथ लेवल एक जाके स्टेबल हो जाती है, देन सपोजिटली हाइपोथेटिकली क्या करेंगे, देन हाउ डू वी फाइंड अ न्यू इन्वेस्टमेंट place, where do we invest next? सर आपका एज कितना है? सर 25. मतलब आप 50 के हो जाओगे तब तक तो. जी सर. पर पैसा कैसा बना होगा? जो हमने सोचा ऐसा हुआ तो. हाँ सर. जबरदस्त. तो हम सबका ये होना चाहिए कि चलो अच्छा भविष्य अगर दिख रहा है, let us invest every year. Yes, sir. Right? और ये जो है, आज हम यंगेस्ट इकोनॉमी है, पर आने वाले 20 साल तक हम यंगेस्ट रहने भी वाले है. नेक्स्ट 20 years भी इंडिया इज गोइंग टू स्टे यंगेस्ट मेजर इकोनॉमी, तो कोई चिंता की बात नहीं है, राइट? ओके सर. हम अंडर पोटेंशियल है, अंडर पेनेट्रेटेड है, अभी जो जीडीपी है वो बहुत कम है. बहुत सपोर्ट मिलेगा अभी तो आप लोगों से, आप ही सब लोगों से, राइट ना? ओके, थैंक यू. There's a future of tomorrow, Piyush ji. I mean, just 25 years of age and then you're thinking aloud for the country. Fair enough.
Well, friends, that was perhaps, you know, the last question. I'm sorry, I can't take any more because of the time constraint. In case you do have still, so I would request Piyush ji take it offline, you know, once he's off the stage. So, you know, before I call upon one of the organizers to accord a formal vote of thanks, Piyush ji, ek point mein just, you know, for the interest of the floor, because the panel discussion follows. Services sector ke upar aapne bahut jyada thrust dala. For example, say logistics, that would be a big sector to reckon with in the time to come. But some startups who have been in the services sector, such as say Ola or Oyo, the homegrown services sector, इनकी वैल्यूएशन का तो मतलब कोई ठिकाना ही नहीं है. मतलब अगर आप बैलेंस शीट स्टडी, आई डोंट नो, एक्सपर्ट्स वुड ओपाइन ऑन दैट, बट देन यू नो दीज आर सम ऑफ द आई कैचेस ऑफ टुमारो. आई मीन दीज आर द इन थिंग्स और द कंपनीज ऑफ टुमारो. दिस डियर फ्रेंड्स, वी लीव इट फूड फॉर थॉट फॉर द पैनलिस्ट और यू नो फॉर द अदर स्पीकर्स टू कैरी ऑन. बट एट दिस स्टेज आई हैव टू कॉल अपॉन सीए नीरज केजरीवाल टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड डू द ऑनर्स ऑफ अकॉर्डिंग अ फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स to the panelists and to me as well, I guess, right? It's not working. Yeah. Good evening, ladies and gentlemen. It's my honor to thank the esteemed speaker from the forum of VIP CA Study Circle EIRC. I thank to Mr. Naveen Gupta, Ms. Radhika Gupte, and Mr. Piyush Patel for their efforts and the manner in which they have enhanced our knowledge about the capital market. I also thank CA Vikas Jain for moderating the session so well. Now I request CA Rajkumar Vidyasariya ji to offer a memento as a token of respect and appreciation to Mr. Piyush Patel. Yeah, thank you very much, Neeraj. I was, you know, damn sure. In case I was not sure, I wouldn't have asked you to thank me as well. Well, friends, please stay put. We are in with the continuation of the next session. And may I call upon one of the past presidents of VIP Road Study Circle Association, C. Vasudev Agarwal, to please come forward and take the session forward from here. Speakers are already lined up. Thank you very much. Thank you, Vikas, for conducting the previous session very nicely and giving me the opportunity to initiate this panel discussion. May I request Prakash Patwari, please escort the speakers, learned speakers,